हेलो स्टूडेंट, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। इफ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर हम लोग वन ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में और वन माइनस कर दे रहे हैं डिनोमिनेटर में, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, तब कितना हो जाएगा? तो वन वन हो जाएगा, ठीक है। ये रहा पहला, मतलब पहला कंडीशन है, ठीक है। एंड इट बिकम्स हाफ, 1/2, इफ वी ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर, और आधा हो जाएगा अगर हम लोग वन ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कितना है ये पूछ रहा है, तो फ्रैक्शन हम लोग को मतलब फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। और ये कंडीशन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द न्यूमिनेटर बी एक्स मान लेंगे न्यूमिनेटर को, और डिनोमिनेटर को वाई। ओके, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई एलजेब्रिक, ठीक है। इसी को हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये देख लो, एक्स प्लस वन, और यहाँ एक्स सॉरी वाई माइनस वन इक्वल टू वन। वन क्यों, एक्स प्लस वन यहाँ दिया है कि वन एड वन टू द न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर कितना मान लिया था एक्स, तो वो हम लोग वन ऐड कर दिए, ठीक है। फिर लिखा है कि सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से वन को माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा, तब ये फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा वन, वह ठीक है, रिड्यूस टू वन। अगर हम लोग ये कंडीशन देते हैं तो ये वन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इधर आ गया वाई माइनस वन, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई और एक्स प्लस वन। अब हम लोग क्या किए, वाई को इधर ला दिए एलएचएस साइड में, तो एक्स माइनस वन सॉरी एक्स माइनस वाई, और ये वन इधर आ गया, तो इधर ऑलरेडी ये माइनस वन था, तो ये वन इधर आ गया, तो ये माइनस में चला जाएगा, तो माइनस टू, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, इक्वेशन वन डेवलप हो गया। अब हम लोग, ये तो था पहला जो कंडीशन दिया हुआ है उसके बेस्ड पे ये बना। अब है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा अगर हम लोग वन ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में, तो ठीक है। तो ये रहा, देखना डिनोमिनेटर में मैं वन ऐड कर दिया हूं, इसमें कुछ भी नहीं किया हूं, तो ये कितना हो गया, 1/2, समझ में आ गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये टू इंटू एक्स, तो टू एक्स, और ये वाई प्लस वाई, ये वन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो वाई प्लस वन, ठीक है, ये इधर आ गया क्योंकि इससे ये मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब वाई को मैं एल एच एस साइड तरफ लेके आया, तो टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, ठीक है, ये देख लो, तो ये इक्वेशन टू डेवलप हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू, तो ये रहा टू और ये वन, तो देख लो यहाँ टू एक्स, तो ये साइन चेंज किया हूं क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूं, तो ये माइनस था तो ये प्लस, और ये भी माइनस था तो ये प्लस। ओके, तो टू एक्स माइनस एक्स, तो एक्स हो गया, ये वाई वाई कट गया, और ये वन और ये टू, क्योंकि यहाँ यहाँ प्लस है, तो ये थ्री, तो एक्स इक्वल टू थ्री आ गया, ठीक है, एक्स थ्री आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन काफी इजी था, तुम लोग जो मर्जी जो भी इक्वेशन में पुट करो, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स के जगह में मैं थ्री पुट कर चुका हूँ, क्योंकि वो एक्स कितना फाइंड हुआ, थ्री, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, तो माइनस वाई और ये थ्री इधर इधर चला गया, तो माइनस थ्री हो जाएगा, तो माइनस थ्री और माइनस टू माइनस फाइव, ठीक है, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई इक्वल टू फाइव, तो फ्रैक्शन कितना हो गया, थ्री अपॉन फाइव, क्योंकि फ्रैक्शन हम लोग मान लिए थे एक्स बाई, मतलब यहाँ हम लोग किए थे न्यूमिनेटर को एक्स माने थे और डिनोमिनेटर वाई, तो फ्रैक्शन कितना था, एलजेब्रिक एक्स बाई वाई, तो हम लोग को यहाँ मिल चुका है, ठीक है, ये रहा, समझ में आया, ठीक है।